हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और टेस्टी सी रेसिपी लेकर। आज हम बनाने जा रहे हैं घिया के कोफ्ते, जो कि बिना लहसुन प्याज और टमाटर के बनेंगे और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम लेंगे घिया। मैंने यहाँ पर वजन से आधा किलो घिया ली है। इसमें से थोड़ी सी जो घिया है मैंने सुबह किसी रेसिपी में यूज़ कर ली थी और बाकी की घिया के यहाँ पे मैं कोफ्ते बना रही हूँ। तो इसको पहले अच्छे से मैंने धो लिया है और उसके बाद इसको पील कर ले रही हूँ और इसको हम करेंगे एक ग्रेटर की हेल्प से बारीक बारीक ग्रेट। जब हम इसको ग्रेट करेंगे तो हमने बहुत मोटे वाला ग्रेटर नहीं यूज़ करना है, जो एकदम मीडियम साइज़ का ग्रेटर आता है उस वाले ग्रेटर से हम इसको ग्रेट करेंगे। तो इसके जो लच्छे हैं काफ़ी अच्छे से निकल के तैयार होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से हमारी जो घिया है ना बहुत बारीक और ना बहुत मोटी अच्छे से ग्रेट हुई है। अब इसको इस तरीके से हाथ से निचोड़ निचोड़ के इसका जो एक्स्ट्रा पानी है मैं यहाँ पर निकाल ले रही हूँ। इतना पानी जो हमारी घिया के अंदर से निकला है इसको हमने फेंकना नहीं है, इसको हम अपनी घिया के बनाते टाइम उसकी ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे। पानी को हम रख देंगे साइड पे और जो हमारी घिया है उसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच अजवाइन, एक चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ही गरम मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर और दो से तीन बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अब इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन। तो यहाँ पर आधा कप बेसन का मैं यूज़ कर रही हूँ। पहले जो हमने घिया के अंदर मसाले ऐड किए थे उनको काफ़ी अच्छे से घिया के साथ मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए बेसन को मिक्स करेंगे। काफ़ी अच्छे से बेसन को घिया के साथ मिक्स करना है ताकि कोई भी गांठ ना बने इसमें। नमक हम इसके अंदर अभी यूज़ नहीं करेंगे। नमक हम थोड़ी देर बाद, जब तेल गर्म बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा और हम इसके जो कोफ्ते हैं वो बना बना कर हाथ से रखेंगे, उस टाइम पे हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बेसन मिक्स करने के बाद कढ़ाई में तेल रख दिया था गर्म होने के लिए गैस पर, और अब इसके अंदर मैं नमक मिक्स करके बहुत जल्दी जल्दी इसके हाथ से एकदम गोल गोल शेप देते हुए इसके छोटे छोटे साइज़ के कोफ्ते बना लूँगी। कोफ्ते बनाते वक्त हमने हाथ से इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसको इस तरीके से उंगलियों से शेप देते हुए, जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, इस तरीके से मैं इसके कोफ्ते बना बना कर रख लूँगी। सभी कोफ्ते यहाँ पर बनकर तैयार हो गए हैं। अब जो हमारा ऑयल है वो भी मीडियम हीट का गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर एक एक करके अपने कोफ्ते डालेंगे फ्राई होने के लिए। हमने जब कोफ्ते फ्राई करने हैं तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि ना ही तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ही ठंडा। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो जो कोफ्ते हैं ऊपर ऊपर से सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और अगर जो ऑयल है वो ठंडा रहेगा तो जो कोफ्ते हैं वो तले में कढ़ाई के में चिपक जाएंगे और फट जाएंगे, बिल्कुल भी अच्छे कोफ्ते नहीं बनेंगे। मीडियम हीट का ऑयल रहेगा तो जो हमारे कोफ्ते हैं वो अंदर तक अच्छे से सिकेंगे और बाहर भी उनके ऊपर एक सही लेयर आएगी जिस कलर की हमको चाहिए। तो यहाँ पर मैं इनको थोड़ा अलटते पलटते हुए काफ़ी अच्छे से जो हमारे कोफ्ते हैं उनको फ्राई कर लूँगी। कोफ्तों को मीडियम हीट पर फ्राई करने में लगभग 5 से 7 मिनट तक का समय जाता है। 5 से 7 मिनट बाद ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो कोफ्ते हैं कितने अच्छे से फ्राई होकर तैयार हुए हैं। अब इनको निकाल ले रही हूँ मैं एक प्लेट में साइड में, और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि अंदर तक कितने अच्छे से इवनली पके हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितने सही ये अंदर तक पक चुके हैं। तो अब हम करते हैं इसकी ग्रेवी की तैयारी। यहाँ पर मैंने 2 आलू को पहले से ही ग्रेट करके और पानी के अंदर भिगा के छोड़ दिया था। इसको रखते हैं साइड पे और एक बाउल के अंदर मैं ले रही हूँ कुछ मसाले, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले लिया 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सब्जी मसाला। सभी मसालों को काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, गर्म पानी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप लगभग गर्म पानी का लिया है और सभी मसालों को काफ़ी अच्छे से पानी के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई जिसके अंदर मैंने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का ऐड किया है। इसको मीडियम हीट पर गरम कर लूँगी हल्का सा,
जब हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा उसके अंदर आधा चम्मच मैंने जीरा ऐड किया है, आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच अजवाइन। हल्का सा इनको कलर चेंज होने तक थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद जो मैंने मसाला भिगोकर रखा था पानी के साथ फूलने के लिए वो इसके अंदर ऐड कर दिया है और लगभग 1 से 1.5 मिनट तक के लिए चलाते हुए पका लूँगी। हमने गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है, नहीं तो जो हमारे मसाले हैं जल जाएंगे। अब इसके अंदर ऐड करूँगी जो मैंने आलू ग्रेट करके रखा हुआ था वो पानी से सेपरेट कर लूँगी और फिर इसके अंदर ऐड करूँगी उसको। साथ ही साथ इसको चलाते हुए मसाले के साथ मिक्स कर लूँगी और मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट तक के लिए पका लूँगी। उसके बाद इसके अंदर जो मैंने घिया का पानी निचोड़ के रखा था वो ऐड करूँगी और उसके बाद इसको ढक के लगभग 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। दो से तीन मिनट हो गए हैं हमारे मसाले को पकते हुए। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच नमक का, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर दूंगी इसको सारे मसाले के साथ। अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 ग्लास पानी का, आप अपने अकॉर्डिंग इसकी जो ग्रेवी है उसको मेंटेन कर सकते हैं। आप चाहो थोड़ा पतला रखो, आप चाहो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा रखना चाहते हो तो थोड़ा कम पानी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर एक बार मिक्स कर दूंगी, उसके बाद इसके अंदर 2 से 3 उबाल आने तक इसको खुला ही पका लूंगी मीडियम फ्लेम पर। और जब इसके अंदर 2 से 3 उबाल आ चुके होंगे तो आप इस तरीके से कोई मथनी या फिर जिसको पोटैटो मैशर बोलते हैं उससे भी आप इसको दबा दबा के जो इसके आलू पक चुके होंगे उसकी इस तरीके से थोड़ा सा मैश कर लेंगे जिससे कि हमारी जो ग्रेवी है थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। इसके बाद लगभग इसको 5 मिनट तक के लिए ऐसे ही हमने खुला पकाना है। अब जो हमारी ग्रेवी है काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, मैंने इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा सा रोस्टेड कसूरी मेथी, एक बार मिक्स कर दूंगी। और उसके बाद इसके अंदर 2 मिर्चें जिनको मैंने स्लिट काट लिया है बीच में से वो भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी जिससे कि हमारी जो सब्जी है जो ग्रेवी है उसका जायका भी बढ़ेगा और जो हमारी सब्जी है देखने में भी काफ़ी अच्छी लगेगी। अब जो मैंने कोफ्ते पहले फ्राई करके रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा कसूरी मेथी ऊपर से और स्प्रिंकल कर दिया है। एक बार ग्रेवी के साथ इसको मिक्स कर दूंगी और यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम इसको एक बार मिक्स करने के बाद ढककर छोड़ देंगे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए, जिससे कि क्या होगा हमारे जो कोफ्ता है ग्रेवी को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो हमारी ग्रेवी है थोड़ी थिक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको सर्व कर लिया है 5 मिनट बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, बिना टमाटर लहसुन प्याज के कितनी अच्छी ग्रेवी वाली सब्जी हमारी बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स, आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।